आज भारत जहां अन्य क्षेत्रों में तेजी से प्रगति करता जा रहा है, तो उसी के साथ साथ सैन्य क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि जिस तरह से हर देश अपने आप को मजबूत करने की दिशा में आगे कदम बढ़ा रहा है, उसी को देखते हुए भारत ने भी अपनी कमर कस ली है। और जिस तरह चीन हिंद महासागर में अपनी ताकत बढ़ाने में जुट गया है, उसको देखते हुए भारत ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिसके चलते चीन भारत का हिंद महासागर में बाल भी बांका नहीं कर सकेगा। दरअसल भारत अपनी नौसेना के लिए एक अत्याधुनिक विमान वाहक पोत खरीदने के लिए ब्रिटेन से बातचीत कर रहा है। ब्रिटेन के HMS क्वीन एलिजाबेथ की तर्ज पर बनने वाले इस युद्धपोत का निर्माण भारत के मेक इन इंडिया की तर्ज पर ही किया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय नौसेना के लिए 65,000 टन की ब्रिटिश युद्धपोत की विस्तृत डिजाइन की खरीद के लिए बातचीत चल रही है। खबर के मुताबिक इसके लिए भारत का एक प्रतिनिधि मंडल स्कॉटलैंड स्थित रोसेट डॉकयार्ड भी गया था। इसी मीडिया हाउस ने बताया है कि अगर दोनों देशों में इस पर सहमति बनती है तो नए युद्धपोत को भारत में मेक इन इंडिया के तहत बनाया जाएगा, लेकिन इसके कुछ कल पुर्जे ब्रिटेन की कंपनियां सप्लाई करेंगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस पोत के बनने के बाद इसे भारत के 45,000 टन वजनी युद्धपोत INS विक्रमादित्य के साथ तैनात किया जाएगा, जिसे 2004 में रूस से खरीदा गया था। इसके अलावा भारत का एक और 40,000 टन वजनी युद्धपोत INS विक्रांत तैयार हो रहा है। ये सारे मिलकर भारत को समुद्र में ब्रिटेन से भी ज्यादा ताकतवर बना देंगे। और यहाँ हम आपको बता दें कि इस बेड़े के युद्धपोत का डिजाइन लार्ज ब्रिटिश और फ्रेंच एरोस्पेस कंपनी BAE और थेल्स ने तैयार किया है। BAE के प्रवक्ता ने कहा, भारत के साथ बातचीत शुरू हो चुकी है। इसका डिजाइन नौसेना और स्थानीय जरूरतों के हिसाब से बदला जाएगा। इस जहाज की क्षमता 60 एयरक्राफ्ट ले जाने की है। वहीं फाइटर जेट्स के अलावा चिनूक और अपाचे हेलीकॉप्टर को भी इसमें ले जाया जा सकता है। वहीं विक्रमादित्य पर 30 लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर तैनात किए जा सकते हैं। इसका नाम इंग्लैंड की पहली महारानी एलिजाबेथ के नाम पर दिया गया था। और भारत में बनने वाले इस युद्धपोत को INS विशाल नाम दिया जाएगा। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। आगे ऐसी ही खास खबर देखने के लिए मेरे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।